Now today we will see the third type of loop, that is the do while loop. अभी तक हम दो varieties of loop पढ़ चुके हैं. One is for loop and the other is while loop. मैंने आपको पहले भी बताया था कि मतलब a loop is used for repeating a particular task some number of times. ठीक है, तो C में तीन तरह के loops provided होते हैं, and that is for loop, while loop and do while loop. अब आप हर प्रोग्राम को, ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम कैन बी डन यूजिंग एवरी टाइप ऑफ लूप, बट कुछ प्रोग्राम्स में मे बी यू विल फाइंड फॉर लूप ज्यादा आसानी से यूज किया जा सकता है. इन सम प्रोग्राम्स यू मे फाइंड दैट द व्हाइल लूप मे बी इजियर टू यूज, एंड इन सम केसेस यू विल बी नीडिंग द डू व्हाइल लूप. तो एक बार हम तीनों लूप्स पढ़ लेंगे, देन वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू कंपेयर द थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स, एंड देन वी विल कंपेयर व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द वेरियस लूप्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और कब कौन सा लूप हमें यूज करना चाहिए. ठीक है, सो सीइंग द डू व्हाइल लूप सिंटैक्स. नाउ डू व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है? इट्स दिस, वी राइट डू, फिर कर्ल ब्रेसेस ओपन होता है, यहाँ पे आप कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखते हो, एंड लास्ट में यू राइट व्हाइल एंड अ कंडीशन. ठीक है, एंड लास्ट में सेमीकोलन. नाउ यहाँ पे दीज सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर विद इन द ब्लॉक, द डू व्हाइल ब्लॉक, ये कब तक रन करते हैं? जब तक ये कंडीशन ट्रू है. जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, द लूप विल नॉट रन अगेन. ठीक है, नाउ हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था व्हाइल लूप, उसमें हमने लिखा था व्हाइल कंडीशन. आई एम जस्ट राइटिंग इट सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ द लूप्स हियर इटसेल्फ. हमने यहाँ लिखा था व्हाइल कंडीशन एंड देन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. ठीक है, ये लूप हमारा कब तक चल रहा था? जब तक हमारी ये कंडीशन ट्रू थी. लूप रन्स टिल द कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, नाउ अगर व्हाइल लूप में पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो, देन व्हाट विल हैपन? सपोज हम व्हाइल लूप पे काम कर रहे हैं और पहली बार में ही जैसे ही व्हाइल लूप रन होने को हुआ, एंड इट चेक्ड द कंडीशन एंड द कंडीशन वाज फॉल्स, तो क्या होगा? लूप रन ही नहीं करेगा, क्योंकि से व्हाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन बिगिनिंग में चेक हो जाती है. तो अगर द कंडीशन इज फॉल्स, देन द लूप विल नॉट रन इवन वंस. ओके, तो पहली बार में ही लूप आपका रन नहीं होगा. दैट मीन्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स, if the condition is false within the while loop, the condition is false, then the loop will not run a single time also. theek hai, now let's compare the do while loop with in the same respect. ab yahan pe kya ho raha hai, hum likh rahe hain do. do means hum loop ko run karna shuru kar de rahe hain. so all these lines, now see in the beginning there is no condition, hum koi condition nahi check kar rahe hain, hum keh rahe hain simply ये कोड को रन करो. डू का मतलब क्या है? डू दिस थिंग, वी विल सी लेटर, अगले बार ये काम करना है या नहीं करना है, रिपीट करना है या नहीं करना है, वी विल डिसाइड लेटर, बट फिलहाल अभी ये स्टेटमेंट्स रन करना है. ठीक है, तो क्या होगा, एक बार आपका ये सारा कोड, दिस कोड विल बी रन वंस at least, क्योंकि इसे कोई कंडीशन हमने बिगिनिंग में चेक नहीं की है और कह दिया कि ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रन करो जब तक ये कंडीशन ट्रू है. इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तो लूप चलेगा ही चलेगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम लूप चलना है या नहीं चलना है, या चलेगा या नहीं चलेगा, विल डिपेंड अपॉन दिस व्हाइल कंडीशन. नाउ इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, the loop will run again, and if this condition is false, the loop will stop.
why I have written both the loops here, क्यों मैंने दोनों लूप्स का सिंटेक्स यहाँ पे लिखा है, क्योंकि सर दोनों ही लूप्स वाइल लूप हैं. वाइल लूप का मतलब है जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलेंगे. लेकिन दोनों में एक मेजर फर्क है. एक में जो कंडीशन है दैट इज चेक्ड इन द बिगिनिंग, दैट इज इन द वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड इन द बिगिनिंग, वेयर एज इन द डू वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड. ठीक है, ये है आपका डू वाइल और ये है आपका वाइल लूप. ठीक है, तो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू इज इन अ डू वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड एंड इन द वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड इन द. इसके वजह से बिगिनिंग में जब कंडीशन चेक होती है तो इसे एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी बोलते हैं. It is called an entry-controlled loop. Entry-controlled loop means कि एक barrier लगा दिया आपने beginning में, अंदर आप जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, that will be decided at the barrier point. ठीक है, suppose if you have a pass, जैसे आप military area में जाते हो, आपके पास pass होता है, तभी आपको वो enter करने देते हैं, otherwise they don't allow you to enter inside. ठीक है, तो entry gate पे ही जब कंट्रोल होता है या कंडीशन पुटअप होती है दैट इज नोन एज अ एंट्री कंट्रोल्ड लूप. ठीक है, तो लूप के अंदर जाना भी है या नहीं जाना है या जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे इज डिसाइडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द लूप इटसेल्फ. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एंट्री कंट्रोल्ड लूप. वेयर एज द डू व्हाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज द एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. नाउ एग्जिट कंट्रोल लूप इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे कंट्रोलिंग कहाँ पे हो रही है, चेकिंग कहाँ पे हो रही है, एंड पे, एग्जिट पे, जहां से हम बाहर निकलते हैं वहां पे चेकिंग हो रही है. तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. सो दिस इज व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप, डू व्हाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप. अनदर डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप इज कि व्हाइल लूप मे रन zero or more times. ठीक है, while loop में run zero or more times, जबकि do while loop will run one or more times. ठीक है, one or more times मतलब कि एक बार तो चलेगा ही चलेगा, अगले बार चलेगा या नहीं दैट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन. बट व्हाइल लूप हो सकता है एक भी बार ना चले, इट मे रन जीरो और मोर टाइम्स, एंड डू व्हाइल लूप विल एट लीस्ट रन वंस एंड इट कैन रन मोर टाइम्स आल्सो बट इट वंस. सो दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द व्हाइल लूप एंड द डू व्हाइल लूप. तो ये हैं आपके डिफरेंसेस बिटवीन व्हाइल लूप and do while loop. Now this is an important question. Usually ye exam mein aata hai. They ask you directly list out the differences between a do while loop and a while loop. So you have to list these three differences. Sabse pehla aap keh sakte ho ki condition isme check hoti hai end mein, isme hoti hai beginning mein. This is an entry controlled loop. This is an exit controlled loop. ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. कितने बार लूप चलेगा कम से कम, दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सो दिस इज हाउ द व्हाइल लूप एंड द डू व्हाइल लूप इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, अब इसको व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं और डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं. इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो. सपोज यू गो इन अ पार्किंग लॉट, आप सपोज मॉल जाते हो या कहीं पे भी गाड़ी को पार्क करते हो, पार्किंग लॉट में जाते हो, यू मस्ट हैव सीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्किंग्स. अगर तो कहीं पे फिक्स चार्जेस हैं कि आप कितनी भी देर कार को खड़ी करो यू हैव टू पे द सेम अमाउंट. सपोज एक जगह रूल अप्लाइड ये है हैव टू पे say the fixed charges for parking your car is say 20 rupees.
ओके एंड फिक्स है, मतलब उसमें कोई टाइम इज नॉट द बेसिस, सिंपली यू हैव टू पार्क द कार, यू कैन पार्क द कार एंड दे विल चार्ज यू 20 rupees, ठीक है. और एक दूसरी सिचुएशन है जहां पे आर्ली बेसिस पे चार्जेस लगते हैं पार्किंग के, ठीक है. सो मे बी इट कैन बी 10 rupees पर आवर, फाइन. तो दो सिचुएशंस हैं, एक जगह आपका 20 rupees लग रहा है, टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट देयर, और दूसरी जगह आपका टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, सो 10 rupees पर आवर के हिसाब से आपके कार पार्किंग चार्जेस लगेंगे, ठीक है. नाउ अगर आपने ध्यान दिया हो तो दोनों जगह में एक फर्क होता है, द वे दे चार्ज द मनी. जहां पे आपका फिक्स्ड अमाउंट है, जहां पे टाइम इज नॉट अ लिमिट, वहां यूजुअली क्या होता है, जब आप कार पार्क करने जाते हो तो जो भी पार्किंग वाला पर्सन होता है वो उसी समय आपसे चार्जेस ले लेता है, 20 rupees ले लेगा एंड ही विल गिव यू अ स्लिप, ठीक है. मतलब वो पेमेंट पहले ही ले लेगा, एडवांस में ले लेगा. अब आप जब मर्जी आओ अपनी कार लेकर के चले जाओ, बिकॉज वहां पे टाइम फिक्स, टाइम का कोई वो नहीं है लेना देना, फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, 20 rupees लगेंगे, चाहे आप आधा घंटे के लिए कार पार्क करो चाहे 4 घंटे के लिए करो, 20 rupees फिक्स है. तो वो आपसे पहले ही पैसे ले लेगा और आपको एक स्लिप पकड़ा देगा, ठीक है. तो ये तो क्या हो गया, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, ठीक है. उसने पहले ही पैसे रख लिए और आप जब मर्जी आओ आप अपनी कार उठा के जा सकते हो, क्योंकि इसे टाइम से उसे कोई लेना नहीं. नाउ इन द सेकंड सिचुएशन वेयर द चार्जेस ऑफ पार्किंग आर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, अब यहाँ पे वो पहले से आपसे पैसे नहीं चार्ज कर सकता है. क्यों नहीं चार्ज कर सकता, बिकॉज ही डजंट नो हाउ मेनी आवर्स यू आर गोइंग टू स्पेंड देयर. हो सकता है आप 2 घंटे के लिए कार को पार्क करो, हो सकता है 3 घंटे के लिए करो, हो सकता है आप आधा घंटे में ही लौट के आ जाओ, ठीक है. तो उस केस में वो क्या करता है, वो आपको एक स्लिप काट करके तो दे देगा, बट ही विल नॉट चार्ज द मनी देयर. वो उस समय आपसे पैसे नहीं लेगा, ठीक है, और आपकी कार को अंदर जाने देगा, आप कार को खड़ी कर दोगे. ही विल नॉट चार्ज एनी मनी फ्रॉम यू एट द टाइम ऑफ पार्किंग. क्यों नहीं करेगा वो ऐसा, क्योंकि इसे उसको नहीं मालूम आप कितनी देर में लौट करके आओगे, ठीक है. अब क्या होगा, व्हेन विल ही चार्ज मनी फ्रॉम यू, जब आप निकलने लगोगे एग्जिट, जहां से भी एग्जिट का गेट होगा, एग्जिट गेट होगा जहां पे भी कार का, वहां पे द पर्सन विल बी स्टैंडिंग एंड वो आपकी स्लिप से देखेगा आपने कब आए थे और अब कितना टाइम हो गया है, कितने घंटे हो गए हैं आपको यहाँ पे कार रखे हुए, एंड अकॉर्डिंगली ही विल टेक द मनी एंड देन ओनली ही विल अलाउ यू टू गो, ठीक है. तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जिट कंट्रोल्ड लूप. फर्स्ट केस में क्या किया था, टाइम वाज नॉट अ फैक्टर, तो उसने शुरू में ही घुसने से पहले ही आपसे पैसे ले लिए, क्योंकि से पता नहीं आप कब चलेगा, ठीक है. तो उसने पहले ही पैसे रखवा लिए, आप पैसे दे दो, अब आपको जब जाना है आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे अब चले जाना, अपनी कार उठाना चले जाना. दूसरे केस में उसने स्टार्टिंग में पैसे क्यों नहीं लिए, बिकॉज ही डजंट नो एग्जैक्टली कि आप कितनी देर में लौट के आओगे, और इसीलिए उसने क्या किया कि जो पैसे कलेक्ट करने वाले पर्सन को कहाँ पे खड़ा करा, एग्जिट गेट पे. तो एग्जिट अलाउड तभी होगा जब आप पेमेंट दे दोगे, और पेमेंट किस बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ how many hours your car was parked in the parking area. So this is one way you can explain an entry control loop and an exit control loop, that is a while loop and a do while loop. ठीक है, तो ये हमने देखे दो तरह के loops. So बाकी कुछ खास difference नहीं है दोनों loops में, while loop और do while loop में. लिखने का तरीका बस थोड़ा सा different है, एक में condition beginning में check होती है, एक में condition end में check होती है, ठीक है. एक लूप हो सकता है एक भी बार ना चले, एक लूप कम से कम एक बार तो चलेगा चलेगा. देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर वी प्रेफर अ डू बाय लूप, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. सो नाउ द सेम प्रोग्राम्स हैव बीन रिटन, जो पहले हमने लिखे हैं प्रोग्राम्स,
वो सारे प्रोग्राम्स को हमने डू व्हाइल लूप से भी लिखा है एंड द आउटपुट विल बी सेम. ये है आपका प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया, i को पहले 1 से इनिशियलाइज करा दिया, डू i को प्रिंट करा के फिर i की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करा दिया, और व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन सेम रहेगी, क्योंकि से आपको 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं. तो आपने क्या कहा, तब तक लूप चलेगा जब तक कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है. तो जैसे ही वैल्यू 10 क्रॉस कर जाएगी, 11 हो जाएगी, द लूप विल नॉट रन अगेन. ठीक है, सेकेंड प्रोग्राम सिमिलरली हमने लिखा है यूजिंग डू व्हाइल लूप फॉर ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10 देन ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज प्रोग्राम्स, एग्जैक्टली सेम प्रोग्राम्स हैं, बस इनको व्हाइल लूप की जगह हमने डू व्हाइल की मदद से किया है. ठीक है, नाउ सिमिलरली दिस प्रोग्राम जिसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आप नंबर्स इनपुट कराओगे यूजर से एंड यू विल फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर एंड टू स्टॉप अ लूप मींस आपको जब भी बताना है कि बस अब आगे और नंबर्स आपको नहीं एंटर करना है, देन यू कैन एंटर अ नेगेटिव वैल्यू. जैसे ही नंबर नेगेटिव होगा द लूप विल स्टॉप. तो यहाँ पे भी हमने वही किया है, नंबर सम नाम के दो वेरिएबल्स लिए, डू सम इज इक्वल टू सम प्लस नंबर, इनपुट करा नंबर की वैल्यू व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बस यहाँ पे हमने लिखा था व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये सारा कोड यहाँ बीच में लिखा था. ठीक है, अभी हमने क्या किया है, डू और व्हाइल कंडीशन. तो अब इनिशियली नंबर की वैल्यू 0 है तो एक बार लूप चलेगा, नंबर मांगेगा, नंबर अगर पॉजिटिव है तो लूप फिर से चलेगा, सम में वो वैल्यू ऐड करेगा एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. जैसे ही आप नंबर नेगेटिव इनपुट करोगे, सपोज -2 आपने एंटर किया, देन दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स एंड द लूप विल नॉट एग्जीक्यूट अगेन. सो जो भी कुछ फाइनल सम की वैल्यू होगी दैट विल बी प्रिंटेड. सो इट्स वन एंड द सेम थिंग. अभी इन प्रोग्राम्स में तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, आप तीनों तरह से प्रोग्राम को लिख सकते हो यूजिंग अ फॉर लूप, यूजिंग अ व्हाइल लूप एंड अ डू व्हाइल लूप. ठीक है, अब वी विल सी द कंपैरिजन लेटर ऑन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर इनफाइनाइट लूप्स. इनफाइनाइट लूप्स के बारे में मैंने कई बार आपको बीच में भी हिंट दी है, बताया है. नाउ एन इनफाइनाइट लूप इज समथिंग व्हिच डजंट स्टॉप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. लूप एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चलना चाहिए. अगर लूप एंडलेसली चलता जा रहा है, इट्स नॉट स्टॉपिंग, इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, देन सच टाइप ऑफ लूप इज नोन एज अ इनफाइनाइट लूप. नाउ इट्स नॉट गुड टू हैव एन इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप तभी होता है जब आपकी जो भी कंडीशन दी है आपने लूप के अंदर वो आपसे गलती से देन ओनली द लूप विल बी इनफाइनाइट. ठीक है, अब सपोज हम इनफाइनाइट लूप कई तरह से लिखा जा सकता है. था व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है, और आई को हमने 1 इनिशियलाइज कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ से आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया. ठीक है, बस मैंने एक व्हाइल लूप चलाया. व्हाइल लूप में कंडीशन क्या दी, व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड प्रिंट एफ और आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया. ठीक है, अब क्या होगा इस केस में, देखो आई की इनिशियल वैल्यू 1 है सो 1 विल बी प्रिंटेड बिकॉज दिस कंडीशन इज ट्रू. अब आपने यहाँ देखा मैंने यहाँ पे आई को इंक्रीज किया ही नहीं है, आई हैवंट गिवन द इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, i इज इक्वल टू i प्लस 1 लाइन मैंने नहीं दिए, तो क्या होगा, i की वैल्यू 1 ही रहेगी एंड जब वो दोबारा जाएगा लूप पे रन करने के लिए i की वैल्यू 1 है, 1 इज अगेन लेस देन इक्वल टू 10 सो अगेन इट विल प्रिंट 1 अगेन और ये लूप आपका चलता रहेगा एंड इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप. ठीक है,
ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा. सो वे वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन वाई द लूप इज एन इनफाइनाइट लूप. तो या तो कंडीशन हमारी गलत है, या फिर मे बी आपने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज नहीं किया है, मैनिपुलेट नहीं किया है, चेंज नहीं किया है, सो यू विल एंटर इनटू एन इनफाइनाइट लूप. ठीक है, जैसे यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है, वही काउंट की वैल्यू वन है व्हाइल काउंट इज इक्वल टू वन. अब जब काउंट की वैल्यू वन है तो वन ही रहेगी, इधर पे कुछ चेंजेस किए नहीं है आपने काउंट में. और यहाँ कंडीशन क्या दे रहे हो आप, व्हाइल काउंट इज इक्वल टू वन, तो ये लूप भी चलता रहेगा मतलब डेफिनेटली द लूप विल रन इनफाइनाइटली. ठीक है, सो सच टाइप ऑफ लूप्स व्हिच गो ऑन रनिंग एंड रनिंग दे आर नोन एज इनफाइनाइट लूप्स. ऐसे लूप्स में या तो आपकी कंडीशन गलत है, मतलब गलत क्या है, वो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है. व्हेन डज अ लूप स्टॉप, कोई भी लूप की बात करें, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप हो, व्हेन डज अ लूप स्टॉप, आंसर क्या है इसका, व्हेन द लूप कंडीशन becomes false. ठीक है, तो लूप कब रन होना बंद करता है, जब लूप कंडीशन फॉल्स हो जाती है. तो अगर कभी कुछ ऐसा केस हो कि लूप कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं रही है, हमेशा ट्रू रहती है, तो लूप क्या रहेगा, इट विल रन ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप. सो इफ द लूप कंडीशन remains true always, the loop will be an infinite loop. Okay, so this is about infinite loops. Now next is for versus while loop. मैंने आपको while and for, while loop and do while loop के बीच का difference बता दिया. We have discussed while and do while loop के बीच के differences हमने discuss कर लिए थे. सबसे पहला क्या था, condition checked in beginning. इसमें क्या था, checked at end. Entry controlled कहते हैं इसे, क्योंकि से condition beginning में check हो रही है, इसीलिए इसे entry controlled बोलते हैं, इसे exit controlled बोलते हैं. ठीक है, and third is runs zero or more times, और ये runs one or more times. So these are the differences between a while loop and a do while loop. This is important. ये question आता ही है जरूर. ठीक है, you should know what are infinite loops. Infinite loops क्या होते हैं. ठीक है, now what नाउ एक चीज और रहती है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप हर तरह के प्रोग्राम को तीनों तरह के लूप्स यूज करके कर सकते हो. इट्स नॉट दैट कि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फॉर लूप से कर पाओगे तो व्हाइल से नहीं कर पाओगे, या व्हाइल से कर लोगे तो फॉर से नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है. यू कैन राइट अ प्रोग्राम इन विच सम टास्क हैज टू बी रिपीटेड यूजिंग एनी टाइप ऑफ लूप. बट देन अ क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि फिर तीन तरह के लूप है ही क्यों, एक ही तरह के लूप से काम चल जाता तो फिर आप तीन तरह के लूप सी में क्यों प्रोवाइडेड है. सो इट्स नॉट दैट कि तीनों लूप्स बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है, देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम. सो वी कैन यूज अ पर्टिकुलर लूप इन सम पर्टिकुलर सिचुएशंस. Now, the simple situation is, जब आपको पता हो पहले से, a for loop is usually used when the number of iterations is known in advance. जब भी आपको पहले से पता है कि मेरे को लूप 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार रन करना है, तो आप
फॉर लूप इज द बेस्ट लूप, क्योंकि इसे यहाँ पे कोई मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपका लूप चल रहा है, आप फॉर लूप लिखोगे आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू जितने भी बार आपको लूप चलाना है आई प्लस प्लस, वो लूप उतने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स चल जाएगा. एंड इट्स वेरी इजी टू राइट बिकॉज फॉर लूप हमने देखा था एक जगह पे ही सारी चीजें मेंशनड होती हैं, सो देर आर नो चांसेस कि वी मिस आउट ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, सो दैट मींस जब भी आपको फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलाना हो, जब आपको पता हो कि 10 बार 20 बार 50 बार कोई लूप चलाना है, देन यू कैन यूज द फॉर लूप, दैट इज द बेस्ट लूप आई मस्ट से. ठीक है, लेकिन व्हाइल लूप कब यूज करना चाहिए, व्हाइल या डू व्हाइल, जब फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आपका लूप नहीं चलना है, फॉर फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं चलना है, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रन डिपेंड्स ऑन द यूजर. जैसे सपोज एक प्रोग्राम हमने अभी एक प्रोग्राम लिखा था कि जब तक यूजर नेगेटिव वैल्यू एंटर नहीं करता है तब तक नंबर्स को ऐड करते जाओ, एंड यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर टिल द यूजर एंटर्स द नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, तो इस केस में आपका कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितनी वैल्यूज को ऐड करना है ना. हो सकता है मैंने तीन वैल्यूज पॉजिटिव देने के बाद चौथी वैल्यू नेगेटिव दे दी, तो प्रोग्राम क्या करेगा, तीन नंबर्स का सम निकाल करके प्रिंट कर देगा. हो सकता है मैं 10 वैल्यूज इनपुट कर दूं, उसके बाद 11th वैल्यू नेगेटिव टाइप करूं, तो 10 वैल्यूज का सम निकाल करके वो प्रिंट कर देगा. नाउ हियर वेयर यू डोंट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स द लूप हैज टू रन, पहले से फिक्स नहीं है आपको लूप को कितने बार चलाना है, यूजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यूजर की मर्जी है, वो चाहे तो चार वैल्यूज को ऐड करे, चाहे 40 करे, चाहे 10 करे, चाहे 5 करे. सो इन दैट केस अ डू व्हाइल लूप और अ व्हाइल लूप कैन बी यूज्ड. ठीक है, हमने उस प्रोग्राम को दोनों तरीके से सॉल्व किया था. दोनों ही प्रोग्राम्स में हमने एक कंडीशन दी थी, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस तब तक ऐड करते जाओ, तब तक लूप चलता जाएगा जब तक नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है. जैसे ही नंबर की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, मींस नेगेटिव हो जाएगी, द लूप विल स्टॉप. सो ऐसी सिचुएशंस में जब आपका फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स लूप नहीं चलना है, इट डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन विच इज कंट्रोल्ड बाय द यूजर, यूजर के हिसाब से होगा वो, है ना. जैसे मान लीजिए हमने कह दिया जब तक यूजर एक आता ना, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, वाई या एन, यस या नो. अब हमें एक लूप को तब तक चलाना है जब तक यूजर यस बोलता जा रहा है. ठीक है, तो अब ऐसे लूप में आप क्या करोगे, यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल रन, सो यू कैन से व्हाइल आंसर इज इक्वल टू यस, जब तक आंसर यस है लूप चलता रहेगा. तो इस टाइप की सिचुएशंस में जहां आपको पहले से एडवांस में नहीं पता होता है, यूजली यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नॉट नोन इन एडवांस, दे कैन वेरी, देन इन दैट केस यू यूज द व्हाइल लूप और द डू व्हाइल लूप. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ फॉर लूप एंड अ व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, एंड कहाँ कौन सा यूज करना चाहिए, कहाँ कौन सा बेटर रहेगा यूज करना. सो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड देम. So this was all in the loops topic. So today we have finished with loops, and I'll be giving some programs on loops. So you can just do those programs, some important programs on loops. तो वो आप सारे programs लिख करके run करके देखना, ठीक है? Because loops is very important. Loops and decision control structures are very important. हर program में या तो कोई ना कोई condition जरूर होगी या आपको कोई काम को रिपीट करने की जरूरत पड़ती है, सो देन यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ लूप्स. सो द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ लूप्स इज फिनिश्ड, जस्ट ट्राई आउट ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स. नेक्स्ट क्लास में हम लूप्स के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स विच वी हैव नॉट डन टिल नाउ. वी विल बी यूजिंग ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स. कुछ प्रोग्राम्स हम फॉर लूप यूज करके करेंगे, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप. And then we'll switch on to a new topic. So I'll just end the class for today.
सारे प्रोग्राम्स जो भी मैं इसमें कोर्स मटेरियल में देती हूँ, जस्ट ट्राई टू रन देम आउट. जो भी मैं असाइनमेंट्स में क्वेश्चन देती हूँ, उनको आप टाइम टू टाइम करते रहिए, बिकॉज एग्जाम्स में थ्योरी भी आती है एंड क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब प्रोग्राम्स भी आते हैं, सो यू शुड नो बोथ.